बाबू हाय भाई बाबू क्या कर रहा है अरे वो बिल्डिंग के वॉचमैन अंकल है ना उनके बेटी की शादी है तो बस मैं तो बस कुत्ते का बेटे ये आरा। क्या था क्या हुआ माय सिस्टर मेंटी कुत्ती तो अरे पागल है क्या ऐसे तुम मारा मारी कर रहे हो हट कवार जाएगी जब देखो मेरी चीज़ चलो डोंट एवर शो योर फेस टू मी शांत हो जा शांत हो जा सुन हेलो पागल है क्या वो? मैं थीकुण, मैं ठीक ठीक हूं तू कुछ बोल मत उसको। मेरी बहन मैं कुछ भी बोल सकती तू कुछ नहीं बोलेगा कुछ नहीं।, का भी नहीं। अरे मैं बस ये बोल, ठीक है छोड़ किस बात से झगड़ा हुआ क्या हुआ सुबह से मुझे परेशान करे बाबू ये तू ठीक हो जा पहले पानी पी ले क्या हुआ बोला एक्चुअली क्या हुआ कल कल जतिन मेरा एक फ्रेंड है स्कूल फ्रेंड है उसकी शादी होने वाली है तो उसकी बैचलर्स पार्टी है oh. या तो वो सारे गाइस जा रहे हैं सारे लड़के लड़के जा रहे हैं ah. तो उसने मुझे जस्ट एक बार बोला ऐसे कि तू भी आ तो मैंने बोला कि नहीं तुम लोग तो सब लड़के लड़के जा रहे तो मैं आके क्या करूंगी hmm. उसने बोला कि नहीं तू आ तू आएगी तो चलेगा क्यों तो मतलब यही वो उसको मैं मतलब उसकी मेरी कंपनी पसंद होगी उन लोगों को उनको लगेगा उनको लगा होगा हो कि आ, मैं आऊंगी तो उनको हाँ, मजा आएगा ऐसे मतलब हम सब साथ में ऐसा अच्छा रहेगा लेकिन माय सिस्टर मिंटी वो बोल रही है कि तू लड़को जैसी है इसलिए वो तुझे जिद कर रहा आने के लिए बट ऐसे कैसे बोल सकती हो शांत हो जा मैं क्या लड़कों जैसी दिखती हूँ क्या नहीं तू लड़कों से भी अच्छी दिखती है मतलब आ, आ, लुक्स वाइज मतलब लड़, लड़कियों जैसे लड़कों जैसे उनसे भी ज्यादा अच्छी मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ सुन मैं ठीक हूँ एक्चुअली गलती मेरी है मैंने अपने पास जरा ध्यान दिया नहीं बाबू कभी नहीं, कुछ नहीं करवाया मैंने कुछ नहीं मेरी एकदम रॉ स्किन है रॉ एकदम नेचुरल कुछ नहीं करवाया मैंने मैं भी करा सकती हूँ ऐसे कुछ भी ऐसे करा सकती करा सकती हुआ कुछ भी कर सकती हूँ लेकिन नहीं मैंने बोला कि नहीं मैं नेचुरल रहूंगी आई विल स्टे नेचुरल ऑल माय लाइफ वाह नेचुरल लोगों की कदर ही नहीं है किसी को है है तेरी कदर सुन तू अभी थोड़ा बैड मूड में है तो मैं ठीक हूँ अब अब मैं ठीक हूँ लेकिन एक्चुअली सुन तू जा बाट मान या मत मान मेरा मेरा वेट गेन हुआ है वेट गेन ये देख मेरे कितने गाल ऊपर आ गए बाबू ये देख मेरा वजन बढ़ गया गलती इतने? मेरी नहीं है।, है दिवाली दिवाली के टाइम पे बाबू इतने सारे मेहमान घर में हर एक के साथ बैठ के मैंने भर भर के स्वीट खाए खाना पड़ता है बाबू से, से। किवड़ा खा कभी करंजी खाया किसी के घर से दूसरी मिठाई हमारी भी खाके देखो वो लड्डू हो लोगों ने परेशान किया मुझे बाबू इस बार खाओ ना खाओ ना और बुरा बुरा मान जाते हैं लोग मुंह बना के बैठ जाते हैं ठीक है कोई बात नहीं बिकॉज ऑफ देख ऊपर है मेरे ये देख। क्यूट लग रही है क्यूट, क्यूट। तू ठीक हो जा सुन पानी पी ले माय गॉड मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा बाबू अब मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा करना हो जाएगा एक काम करती हूँ मैं योगा शुरू करती हूँ हाँ नाइस आईडिया योगा योगा कर, योगा मैं कर। एक, एक एक साल में देख के एकदम से योगा करके दिखाऊंगी मैं सीखूंगी योगा मैं सीखूंगी मैं, मैं एक्सपर्ट बनूंगी और मैं सिखाऊंगी लोगों को वाह दिस इज माई प्रॉमिस ये मेरा प्रॉमिस बोलती वो करती जरूर है ये बात तो है बाबू कर लेगी तू इजीली एक और बुरी कैसे बताओ मैं वे? एक बहुत बुरी बात हो गई बाबू मतलब तू माइंड करेगा बाबू नहीं, मैं नहीं भी कर सकता क्योंकि तो मटेरियलिस्टिक नहीं है तू ऐसे टाइप का आदमी नहीं है तू तो नहीं। नहीं तो मतलब क्या बोलना एक लॉस हुआ बाबू क्या लॉस हुआ बताती बोलना पानी पी रहे तू दर्शन क्या हुआ बाबू तुझे बताया ना मेरा वेट अभी ज्यादा बढ़ गया ऐसा मुझे लग रहा था तो मेरी सिस्टर है ना मिंटी हुँ. मेरी सिस्टर ने तूने मुझे आईफोन गिफ्ट किया था ना आईफोन ट्वेल्व उसमें उसने कोई तो ऐप डाउनलोड किया वेट हुँ. चेक करने के लिए तो मैंने वो डाउनलोड किया और मैं फ़ोन पे खड़ी हो गई फोन तो कड़क करके आवाज़ आई बाबू पहले मुझे लगा मेरी चप्पल है लेकिन चप्पल नहीं था बाबू लेकिन फोन पे कोई खड़ा होता है क्या कैसे? मैं मुझे फोन पे कोई खड़ा होता है क्या अब बाबू हाल ठीक है संभाल ले मैं समझ सकता हूँ सुन क्योंकि मेरे पास अभी फोन नहीं है मैं टूटे हुए फोन से बात कर रही हूँ तेरे साथ स्क्रीन पे ऐसा खचाक हुआ है पूरा हुआ दिख रहा है मुझे ऊपर ऐसे लाइन सा कुछ कैमरा पे क्रैक है क्यों खड़ी हुई मैं क्यों क्यों खड़ी हुई क्यों फोन में खड़ी हुई। नहीं होना चाहिए क्या मेरे दिमाग में इतनी अकल क्यों नहीं आई बाबू कोई बात नहीं चलो हो गया हो गया उसमें क्या तो मेरे पास फोन ही नहीं है बाबू <laughs> क्रैक्ड फोन है लेकिन चलो थोड़ा उसको देखते फोन नहीं है मेरे पास ना अभी हम्म ये है ना अभी इसमें बाबू, सिर्फ ऊपर की तरफ से क्रैक आया था तू कैसा आदमी है बाबू तू एक नंबर का मटेरियलिस्टिक आदमी मैं देख रही थी क्या तूने एक भी बार नहीं बोला कि मैं तुझे नया फोन देता हूँ मैं देता हूँ तुझे नया फोन सुन बैड डे फॉर मी इंडीड नो मैं दूंगा तेको फोन अरे मैं कह रहा हूँ इस फोन का ज्यादा बुरा मत मना ले रोना बोल देता मुझे मैं कि मैं तुझे फोन दिलाता हूँ अगर नहीं भी देना था तो सिर्फ बोल देता मेरे मेरे दिल में अच्छा लगता मुझे अरे मैं सच में दूंगा एक भी बार नहीं बोला नहीं तूने बोला ही नहीं मैं नहीं दूंगा ही फोन। नहीं चढ़ा नहीं मैं अब मैं कभी स्माइल नहीं करूंगी ऐसा मैं नहीं करूंगी, करूंगी। अगर तू चाहता है हाँ। अगर तू चाहता है कि मेरे चेहरे पे स्माइल आए तो मुझे आईफोन 13 प्रो मैक्स गोल्डन कलर में चाहिए और मुझे वॉच भी चाहिए क्योंकि मैं अभी वेट ट्रेनिंग करने वाली हूँ मुझे वॉच भी चाहिए एप्पल की वॉच लेटेस्ट मॉडल और ईयरबड्स भी क्योंकि तेरे साथ बात भी करनी है अगर ये सब नहीं दे सकता तो मेरा मुझे अपना थोबड़ा मत दिखाना मैं दूंगा चल